Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dr.Lubna Shoukat. Studies or specialization meri social sciences ke field education. Aaj teaching learning ke jis method ke baare mein main baat karne lagi hun, jo ke student ko behtar understanding dene ke liye, hume single national curriculum mein jo teaching learning environment set karni hai, usme main different teaching methods ki baat kar rahi hun. To aaj jis teaching method ki main baat karungi, wo hai demonstration method. डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी इसमें जो टीचर जो है उसने ज़्यादा रोल प्ले करना है, या टीचर जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करके या चीज़ों को जो है वो फिज़िकली मुख्तलिफ अंदाज़ में जो है वो हैंडल करके या मैनिपुलेट करके तालिबे इल्मों को जो है वो दिखा रहा होता है. ज़्यादातर डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो साइंसेज के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है और लो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है. यानी इस तरीक़ेकार को टीचर को अगर हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो लो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी ये हो सकता है. आमतौर पर जनरल साइंस पढ़ाने के लिए, या ये कि अगर एडवांस लेवल पर बात करें तो बच्चों को जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने के लिए. इसके अलावा अगर हम चूँकि जूनियर सेक्शन की ज़्यादातर मैं आजकल फोकस कर रही हूँ, तो उसमें ये कि मैथ्स पढ़ाने के लिए और जनरल साइंस पढ़ाने के लिए डेमोस्ट्रेशन का मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है. अच्छा, डेमोस्ट्रेशन के मेथड में ये है कि टीचर ने अगर जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताने हैं बच्चों को, जैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर बता रहे हैं, यानी जो एक फूल है उसके मुख्तलिफ हिस्से बता रहे हैं, तो उसके लिए टीचर जो हैं वो ख़ुद एक फ़्लावर जिसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं, या कि कोई भी फ़्लावर जिसके पार्ट्स बताने हैं, तो वो लेकर आएँ और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बच्चों को साथ साथ दिखाते भी जाएँ और साथ साथ उसकी जो है वो ड्राइंग भी करते जाएँ. उसमें यूजुअली ये हो रहा होता है कि टीचर के पास टाइम कम होता है, और टीचर ये चाह रहा होता है कि उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तालिबे इल्मों को अंडरस्टैंडिंग दे दे. तो मैंने जैसे फ़्लिप्ड क्लासरूम या फ़्लिप्ड टीचिंग और लर्निंग के बारे में बताया था, तो टीचर इस तरीक़ेकार को भी यूज़ कर सकता है. तो उसका मैंने ये बताया था कि अगर तो इंटरनेट अवेलेबल है तो उस सूरत में टीचर ख़ुद से पहले अपनी वीडियो बना ले, जो कि उसने पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हैं वो समझाए हों, और उसके बाद उस वीडियो को अगर नेट अवेलेबल है तो तालिबे इल्मों को पहले वो वीडियो दिखा दे, और उस वीडियो में टीचर जो है वो फ़्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बता रहा है. तो उसके बाद ये कि हर पार्ट के बाद टीचर उस वीडियो को पॉज कर दे, और पॉज करने के बाद उसी फ़्लावर के पार्ट को जो ओरिजिनल फ़्लावर है वो लेकर आ जाए, और उसी फ़्लावर के पार्ट को कि देखिए ये फ़्लावर का पार्ट है जो मैंने वीडियो में भी बताया है, और फिर उसकी ड्राइंग भी कर दे या उससे रेलेवेंट एक चार्ट पहले से बना कर ले आए. और उस सूरत में ये होगा कि तालिबे इल्मों को डिफरेंट तालिबे इल्मों का लर्निंग का डिफरेंट स्टाइल होता है. कुछ तालिबे इल्म जो है वो जस्ट टीचर उनको बता देगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप इस लिंक पर जाएं और उस वीडियो को अच्छी तरह सुन लें और देख लें. तो कुछ तालिबे इल्म तो उस वीडियो के ज़रिए ही खासा कुछ समझ लेते हैं, लेकिन सब तालिबे इल्मों का लर्निंग स्टाइल इस किस्म का नहीं होता. कुछ क्लासरूम में आते हैं और जब टीचर अपनी वीडियो को भी ऑन कर लेती हैं और साथ में जो है वो ख़ुद भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है, कुछ तालिबे इल्म इस तरीके से समझ लेते हैं, और कुछ तालिबे इल्म जो हैं उनके लिए ज़्यादा सहूलत होती है कि टीचर साथ साथ उसकी ड्राइंग भी कर रहे होते हैं. और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर टीचर जो है जो एक वाइट चार्ट है उसके ज़रिए पेटल बना के ले आए, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट जो दिखाने हैं, जो सेपल हैं, पेटल्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं वो बना कर ले आएँ और साथ साथ बताते जाएँ, और साथ साथ उसी पार्ट को जो है वो वहाँ पर चिपकाते चले जाएँ. तो उससे तालिबे इल्मों की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सामने टीचर जब डेमोंस्ट्रेट कर रहा होता है कि वो डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के दिखा भी रहा है, साथ साथ उस फ्लावर के पार्ट को कि ये जो है वो पेटल है और वो पेटल की ड्राइंग की हुई है या पेटल कटी हुई है जो कि चार्ट पर उसने जो है वो बनाई हुई है, तो वो वहाँ पे चिपका दे उसको, या किसी बच्चे से कहें कि आप आके चिपका दें, और इस तरह जूँ जूँ वो बात को समझाता जाए और फ्लावर का वही वाला पार्ट वहाँ पे वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर जो है ना उसको पेस्ट करता जाए, तो जब वो एक पार्ट पेस्ट करेगा उसके बारे में समझा देगा, साथ ही वो अपनी वीडियो में भी उसने बताया हुआ है वो भी उसको चलाएगा, फिर उसको वीडियो को पास करेगा, फिर समझाएगा, फिर दूसरा पार्ट जो है वो जो ओरिजिनल फ्लावर है उसके ज़रिए दिखा देगा, फिर बोर्ड पे जो है वो उसको वहाँ पे लगा देगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लावर के पार्ट्स लगते जाएंगे और फ्लावर कंप्लीट होता जाएगा. तो जितने भी बच्चे हैं मोस्टली उनका कोई भी लर्निंग स्टाइल है वो इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, कि वो फ्लिप टीचिंग और लर्निंग भी है, कि वो जो वीडियो टीचर ने अपलोड की है उसको भी वो सुनकर आए हुए हैं, और इस वक्त भी वो वीडियो टीचर चला सकता है, या फिर ये कि अगर उस वक्त नहीं चला रहा
तो बच्चे उस वीडियो को पहले से अपने घरों से जब भी उनके पास टाइम था उसको देखकर और सुनकर आए, तो वहाँ से कुछ समझ लिया, कुछ टीचर ने जो ओरिजिनल फ्लावर लिया और उसके ज़रिए समझाया, कुछ टीचर ने जो है वो चार्ट पर जो है वो ड्राइंग बनाई हुई है उसके ज़रिए समझाया, या टीचर ने चार्ट से पार्ट काट के उस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स काटे हुए हैं और वो जो पार्ट पढ़ाता है उसी पार्ट को बोर्ड के ऊपर जो है वो चिपका देता है या पेस्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता हर पार्ट जो है वो पेस्ट करते हुए और समझाते हुए फ्लावर कंप्लीट हो जाता है, तो तमाम बच्चे जो हैं वो बात को तकरीबन समझ लेते हैं। बाज़ूकत ये होता है कि हाई टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो टीचर वही तरीका जो मैंने फ्लिप टीचिंग लर्निंग में बताया था कि आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद क्लास में मोबाइल फ़ोन पर पहले वो वीडियो लेकर आएँ और तालिबे इल्मों को वो दिखाएं और उनको सुना दें। तालिबे इल्म को अगर ऑडियो का प्रॉब्लम है तो आप स्पीकर जो हैं उनके साथ अटैच कर सकते हैं और वो तेज़ आवाज़ में, या आपके पास कोई स्क्रीन है तो उसी वीडियो को आप उस स्क्रीन पे जो आपने डाउनलोड की, अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो उस डाउनलोड की भी वीडियो को आप उस स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को पहले वो वीडियो के ज़रिए चीज़ समझा दें, उसके बाद जो ओरिजिनल फ्लावर लेकर आए हैं उस ज़रिए से समझा दें और उसके बाद उसकी ड्राइंग कर दें या उसके पार्ट्स जो हैं वो काटे हुए हैं वो आप पेस्ट करते जा रहे हैं तो वहाँ से भी समझ आ जाता है। तो उसमें ये कि आपको बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आप जो है वो लो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी पढ़ा सकते हैं कि उस वीडियो को डाउनलोड करके आप बच्चों को उसकी ऑडियो पहले समझा के। तो अब ये देखिए कि बच्चे जो हैं वो फ्लिप्ड टीचिंग और लर्निंग में पहले एक ऑडियो सुन रहे हैं, फिर जो है वो ओरिजिनल फ्लावर आपके पास है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिनल फ्लावर है, आप फ्लावर भी ले सकते हैं अगर आपने किसी भी जो है वो केमिस्ट्री के बारे में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है कि गैसेस किस तरह बनती हैं, डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट केमिकल्स का रिएक्शन दिखाना है तो वो भी सेम इसी तरह आप लेकर आ सकते हैं और उसी वक्त दिखा भी सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो के ज़रिए भी पहले उनको सुनवा दें फिर उसको लेकर आएँ और उनको दिखाएं कि ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। तो तालिबे इल्मों को डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए जो साइंस के कंसेप्ट हैं और इसी तरह मैथ्स जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो मैथ्स से मुतल्लिक भी आप फ्लिप्ड जो है वो टीचिंग लर्निंग के तहत पहले वीडियो अपलोड कर दें, मैथ्स के डिफरेंट बेसिक फार्मूलाज जो कि उस यूनिट में मौजूद हैं तो एक सवाल के मुताबिक सॉल्व करके दिखा दें और उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में तालिबे इल्म मुझसे पूछें कि आपने मेरी वीडियोस जो है वो देखी होगी, अब जो है मैं दोबारा आपको बताता हूँ या बताती हूँ कि किस तरीके से इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप मैथ्स का ये सम यूज़ जो है वो हल कर सकते हैं, तो उसके बाद अब आप खुद इस सवाल को हल करें, जो कि 4-5 सवाल हैं तो उनमें से एक एक सवाल उस वक्त उन्हें हल करवा दें। उसके बाद फिर जो है वो उन्हें कहें कि एक्सरसाइज में से मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की थी उसमें तकरीबन 4 फार्मूलाज मैंने बताए थे और एक्सरसाइज में जो 20 सवाल हैं वो 20 के 20 इन्हीं 4 फार्मूलाज से सॉल्व हो रहे हैं। तो आपने वीडियो में सुन लिया, अगर वो वीडियो नहीं देख सकते नेट के थ्रू तो आप डाउनलोड करके उनको दिखा दें, उसके बाद हर फार्मूले से आप उस वक्त क्लासरूम में उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताएं, फिर उसी वक्त उन्हें एक एक सवाल उस फार्मूले के मुताबिक खुद भी कहें कि आप हल करें और जो ज़रा ज़्यादा फास्ट लर्नर हैं उनसे कहें कि आप बोर्ड पर आएँ और बोर्ड पर आकर इसे सॉल्व कर दें। तो अब क्या है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पहले फ्लिप टीचिंग और लर्निंग के ज़रिए आपकी वीडियो के ज़रिए हुई, फिर आपने खुद एक्सप्लेन किया, फिर उन्हीं 4 फार्मूलाज से जो कि फ़ास्ट लर्नर बच्चे हैं उनसे कहें कि अब अगर आपने ये सवाल हल कर लिया है तो आप ये पहला सवाल हल करें, फिर कोई और बच्चा आए तो उसे कहें कि ये आप 6ठा सवाल हल करें जो दूसरे फार्मूले से है, फिर उससे कहें कि आप ये जो है वो 12वां सवाल हल करें जो नेक्स्ट फार्मूले से है और फिर आप उसके बाद ये 18 सवाल हल करें। इस तरह आप 20 सवाल जो हैं आपने डिफरेंट अंदाज में रिपीट करा दिए हैं, यानी फ्लिप टीचिंग लर्निंग के ज़रिए भी करवा दिए हैं, अगर वो इंटरनेट अवेलेबल नहीं था बच्चों को तो आप वीडियो डाउनलोड करके क्लासरूम में दिखा दें, फिर उस फार्मूले से खुद एक बार समझा दें, फिर किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को कहें, फिर उन्हें होमवर्क दे दें कि आप ये तमाम सवालात कल करके लेकर आएंगे, या ये कि आप वीकेंड है तो वीकेंड के हिसाब से आपको ये मैंने 20 क्वेश्चंस दिए आप सॉल्व करके आएंगे। तो इस सूरत में ये होगा कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है, ये जो चीज़ों को खुद से करके दिखाने का तरीका है, उससे बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं और ज़्यादातर ये साइंसेस को समझाने के लिए और मैथ्स को समझाने के लिए जो है ये एक अच्छा तरीका है। और ज़्यादातर जो है वो जूनियर सेक्शन में, सीनियर सेक्शन में और कोई भी टीचिंग लर्निंग हो तो उसमें जो है वो चीज़ों को रिपीटेड फॉर्म में कि आप फ्लिप टीचिंग लर्निंग या फिर वीडियो को वहाँ पे डाउनलोड करके देखना, फिर टीचर की बात से समझना,
फिर ये कि कोई भी बच्चा जो है वो बोर्ड पर आकर जो है वो चीज़ को समझा रहा है, तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उस सूरत में बार बार डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, तो उससे तालिबे इल्म जो है वो चीज़ को समझ लेते हैं।